Friends, please subscribe and don't forget to press the bell icon for latest update. Thank you. Hello beautifuls. किसी ने सही कहा है, मेकअप आपके स्किन की सभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, कुछ आपका नेचुरल भी होना चाहिए। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना डे स्किन केयर रूटीन और नाइट दोनों है, मैंने लास्ट तक दिखाया आपको एक एक प्रोडक्ट, आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करती हूँ अपना दिन मैं अपने मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश से, जिसका नाम है हनी गुड वाइब मॉइस्चराइजर। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है जो आपकी स्किन को नरिश करता है। सेकेंड मैं ले रही हूँ ग्लो टोनर, मेरी हेल्दी हाइड्रेट और ग्लोइंग स्किन के लिए। आपकी स्किन का टोनिंग करना आपको फेस वॉश के बाद बेहद ज़रूरी है, चाहे वो डे टाइम हो या फिर नाइट टाइम। आफ्टर टोनिंग चाहे मैं बाहर जाऊँ या नहीं, लेकिन मैं अपनी स्किन पर सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करती हूँ। सनस्क्रीन यूज़ किया है मैंने यहाँ पर SPF 30 के साथ, एलोवेरा सनस्क्रीन है, बिल्कुल भी आपकी स्किन पर हार्ड नहीं है और बहुत ही सॉफ्टली आपकी स्किन को अच्छे से यूवी रेज से बचाता है। अपनी स्किन, अपने हैंड और बॉडी के लिए मैं यूज़ करती हूँ द बॉडी शॉप बॉडी बटर। ये नॉर्मल क्रीम या फिर नॉर्मल मॉइस्चराइजर से बहुत अलग है, एक आपकी स्किन को ओवर हेल्दी ओवर हाइड्रेट करता है, जो कि आपकी स्किन के लिए जरूरी। सबसे पहले जो मैंने गुड वाइब का कभी कोई प्रोडक्ट मंगाया था वो थे ये हैंडमेड सोप। ये मेरा टोमेटो का है, चारकोल का घर पर मैं वॉश मतलब यूज़ कर रही हूँ, एलोवेरा का भी है, बहुत अच्छे थे उस टाइम पे जब मैं मंगाई थी, बहुत सस्ते थे, अब भी फिलहाल ऑफर में है। आप चाहे तो इससे ट्राई कर सकते हो एक हैंडमेड सोप मंगाकर। वैसे गुड वाइब के प्रोडक्ट खरीदते हैं अगर आप 999 का, तो आपको 50% ऑफ चल रहा है। मेरे सभी प्रोडक्ट जो मैं यूज़ की हूँ उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन का। तो अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा हनी फेस वॉश, उसके बाद आप अपनी स्किन को टोनिंग करना बिल्कुल ना भूले, जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे नाइट टाइम हो चाहे डे। उसके बाद लाइट स्क्रब करना आपकी स्किन के लिए ज़रूरी है, ताकि स्किन पर जो सारे दिन में डेड स्किन आई है या फिर आपकी स्किन टैनिंग हुई है आपकी स्किन पर, तो मैं यहाँ पर ब्राइटनिंग फेस स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। ये रियली में आपकी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। तो 2 से 3 मिनट अपनी स्किन पर हल्के हाथ से मसाज करा, उसके बाद सिंपल वाटर से रिमूव कर लिया। आपकी फेस के स्क्रबिंग के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ब्राइटन फेस स्क्रब। अच्छा चलिए बात करते हैं अभी मेरे नाइट क्रीम की। जैसे कि मैं आपको पहले भी दिखाई हूँ, मेरे पास प्लम के और भी नाइट क्रीम्स हैं, बट दिस इज़ वेरी गुड। ये पर्पल पैकेजिंग है, मैं अपने सभी क्रीम्स को बहुत ही केयरफुली रखती हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। लास्ट टाइम तक भी अगर मैं इसको ना फेंकूँ तो ये ऐसे भी बहुत अच्छे से रहता है, सभी के सभी क्रीम्स। और बहुत अच्छी नाइट क्रीम है, आपकी स्किन को एक समझिए जैसे नाइट पैक जैसे काम करती है। तो अगर आप लेना चाहते हैं कोई भी अच्छी नाइट क्रीम, सो दिस इज़ वेरी बेस्ट। ओके, अभी इसके बाद जो मैं आपके साथ बता रही हूँ, मैंने लगाकर नहीं दिखाया, लेकिन मैं वीक में 2 टाइम रात में फेस पैक लगाना बहुत पसंद करती हूँ। तो उसमें ये प्लम का फेस मास्क है, ये भी पर्पल पैकेजिंग में आता है, ग्रेप सीड के साथ ही है और बहुत ही अच्छे टेक्सचर के साथ है, आपकी स्किन पर बहुत लाइट है। ओवरऑल मैं वीक में 2 टाइम यूज़ करती हूँ फेस पैक, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आप ले आ जाते हैं। बहुत ही एक कंटिन्यूसली ना कह के इस चीज़ को स्क्रबिंग भी मैं हफ्ते में 2 से 3 बार ही करती हूँ। ये सभी प्रोडक्ट मेरे फेवरेट और डेली यूज़ के हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। काफ़ी दिन से इस चीज़ का रिक्वेस्ट आ रहा था। अगर आपको भी इनमें से कोई भी प्रोडक्ट चेक करना है तो आप एक बार लिंक है डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, और स्पेशली गुड वाइब पर जो 50% ऑफ का डिस्काउंट है 999 की परचेज पर, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। तो लिंक चेकआउट करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।